हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ इस सीजन की बहुत ही मजेदार फ्रूट यानी जामुन के जूस की रेसिपी। जैसे कि आप सभी देख कर ही पहचान गए होंगे, तो चलिए जल्दी से बिना वक्त जाए कि हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनके सीड्स को रिमूव कर लेती हूँ, तो फिर आप सभी से मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे जामुन के जो सीड्स थे उन्हें रिमूव कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से करके। अब मैं इसे डालती हूँ मिक्सर जार में, इसी तरीके से सारे जामुन को हमें डालना है मिक्सर जार में। इसी के साथ ही मैं अपने जूस को फ्लेवर देने के लिए डाल रही हूँ लगभग हाफ नींबू का रस। लगभग एक चुटकी काला नमक, आप चाहें तो ब्लैक सॉल्ट को स्किप भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 2 टीस्पून चीनी, आप चाहें तो पाउडर्ड शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसमें डाल देती हूँ लगभग 1/4 कप पानी। तो चलिए जल्दी से इसे ब्लेंड कर लेती हूँ। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि मैंने ब्लेंड कर दिया है अच्छे से। तो चलिए मैं इसे सर्व करती हूँ और आप सभी को दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक ले लिया एक ग्लास। सबसे पहले तो मैं इसमें डालती हूँ क्रश की हुई बर्फ। तो चलिए एक ग्लास रख लिया है, अब मैं इसमें डालती हूँ क्रश की हुई बर्फ। और बर्फ के साथ आप चाहें तो क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो क्रश की हुई बर्फ होती है ना, उसका जो मुंह में लेते हैं जूस वो बहुत ही मजेदार लगता है। इसी के साथ मैं इसमें डाल देती हूँ ब्लेंड किया हुआ जूस। और इसी के साथ अब मैं डाल रही हूँ ठंडा ठंडा पानी और करते हैं इसे अच्छे से मिक्स। और चलिए ये हो गया हमारा जामुन का जूस तैयार। उस पर हम डालते थोड़ा सा ऊपर से ब्लैक सॉल्ट और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद एंजॉय करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरे आज के जामुन की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। तो चलिए आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा दोस्तों।